পরীক্ষা নেওয়ার ব্যাপার আছে যেটা ও দেখাবে। আর তোমরা আমার চ্যানেলটা দেখো এবং সাবস্ক্রাইব করো, কমেন্ট করো, কিছু জানতে ইচ্ছে করলে আমাকে কল করো এবং ইনবক্সে লিখো, হ্যাঁ আমি তোমাদের উত্তর দেব। আর ও ও আজকে প্রথম পরীক্ষাটা দেবে। হ্যালো ফ্রেন্ডস, নমস্তে, মেরা নাম পুতুল হ্যায়, মা সঙ্গীতা ম্যাম সে নিউট্রিশন কা ক্লাস করতি হুম। और आज मैं अपने मैम जो मेरे को सिखाई है वैक्सीन, आज मैं उसका टेस्ट देने वाली हूँ। सब कुछ मैं खुद से करूँगी आज। सो आज वीडियो देखिए आप और मेरा टेस्ट देखिए, बताइए कैसा है। सो आज इसमें वैक्स के लिए जो जो सामान यूज़ होगा, जो जो प्रोडक्ट्स यूज़ होगा वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये डार्क चॉकलेट क्रीम वैक्स है, देखिए आप। और इसको यूज़ करने से स्किन टैन भी हटता है। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये, आप यूज़ करिए। और उसके बाद हम लेंगे पाउडर, कोई सा भी आप नॉर्मल पाउडर जो घर में यूज़ करते हैं वो आप ले सकते हैं। वैक्स स्ट्रैप, ये वैक्स स्ट्रैप है और इसी से वैक्सिंग होती है। और इसको हम ऐसे छोटे छोटे पीसेस में काट सकते हैं, अगर आपको पूरा एक पूरा यूज़ करने में नहीं हो रहा था, आप इसको छोटे छोटे यूज़ कर काट के यूज़ करेंगे तो आपको सुविधा होगा, आसानी होगा। और हम क्योंकि आज हम लोग नॉन एसी रूम में वैक्सिंग कर रहे हैं, तो नॉन एसी रूम के लिए ये फिटकरी साबुन, देखिए आप फिटकरी साबुन, इसको आप यूज़ कर सकते हैं नॉन एसी के लिए। अगर एसी में है तो आप इसको नहीं भी यूज़ करेंगे तो भी चलेगा, परफेक्ट। और ये बायो ऑर्गेनिक का एलोवेरा जेल, जो कि हम लोग ये वैक्सिंग करने के बाद स्किन पे लगाएंगे, जिससे स्किन पे कोई चीज़ का रिएक्शन नहीं होता है और ये स्किन को स्मूथ रखता है। सो ये सब हमारा सामान था जो हम लोग अभी वैक्सीन में यूज़ करेंगे। अब मैं वैक्सीन करने जा रही हूँ, मैम के ऊपर मैं करूँगी। सो आप लोग देखिए, तो पहले हम लोग एक गीला टॉवल लेंगे, टॉवल या टिश्यू आप कुछ भी यूज़ कर सकती हैं जो आपके पास अवेलेबल है। और हमें हाथ का वैक्स करने जा रहा है तो पहले हम इसको अच्छे से गीला टॉवल से पोंछ लेंगे। आप हर चीज़ का अच्छे से ध्यान रख के स्किन के बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन सा स्किन पे किस तरह का वैक्स होता है या होना चाहिए, उसके अंदर ही हम लोग काम करेंगे। उसके बाद फिटकरी देंगे, फिटकरी लगाएंगे, फिटकरी साबुन बोले आपको, फिटकरी साबुन लगाएंगे। और कुछ लोगों का स्किन अगर उस पर कुछ रिएक्शन होने का डर है तो आप उसके साथ सुथॉल भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई भी एंटीसेप्टिक यूज़ कर सकते हैं इसके साथ। फिटकरी पे इसको डाल के उसके बाद आप इसको हाथ पे रब करेंगे। इनको वैसे इनकी स्किन के लिए ज़रूरत नहीं है इसलिए मैं यूज़ नहीं करूँगी। सो आप देखिए फिटकरी को अच्छे से हम लोग हाथ पे, हर हाथ के हर भाग पे, हिस्से पे हम लोग अच्छे से लगाना है। लगाने के बाद थोड़ा सूखने का इंतजार करना है, सूख जाएगा उसके बाद हम लोग आगे का प्रोसेस करेंगे। सूखने के बाद जब हाथ अच्छे से सूख जाएगा, स्किन अच्छे से सूख जाएगा, उसके बाद हम सबसे पहले उसके ऊपर पाउडर अप्लाई करेंगे। ध्यान रखिएगा पाउडर ज्यादा ना हो, ज्यादा ही कम हो, मीडियम में जैसे लगाते हैं वैसे होना चाहिए नॉर्मल। स्ट्रैप में आप ध्यान रखिएगा एक चीज का कि दोनों तरफ डिजाइन सेम होता है लेकिन दोनों तरफ से हम लोग निकाल नहीं सकते हैं। एक तरफ छू के देखिएगा ज्यादा नरम मुलायम सा होगा, सॉफ्ट सा, और दूसरे तरफ जिस तरफ ज्यादा ड्राई होगा रूखा रूखा सा, हम लोग को उस तरफ से निकालना है। जिस तरफ से सॉफ्ट रहेगा उस तरफ से आपका बाल नहीं, आपका हेयर नहीं निकलेगा। फिर हम वैक्स हम गर्म होने के लिए रख चुके थे वैक्स मशीन में, और वैक्स में मेल्ट हो चुका है तो हम इसको हेयर जिस डायरेक्शन में रहेगा हम लोग को उस डायरेक्शन में इसको अप्लाई करना है, ठीक है।
इस चीज का ध्यान रखिएगा कि वैक्स ज्यादा गर्म ना हो, नहीं तो स्किन जल जाएगा। और वैक्स स्ट्रिप अप्लाई करने के बाद हम लोग को इस तरह से हल्के हाथ से इसको रब करना है। रब करने के बाद स्ट्रिप को इस तरह से नहीं, जिस तरह से वैक्स हेयर डायरेक्शन जिस तरफ से उसके अपोजिट साइड में हम लोग को इसको निकालना है, मतलब उल्टा साइड में। ये देख सकते हैं आप, इसमें हेयर निकला है, ठीक से दिखे है नहीं बट निकला है इसमें हेयर। मैं यहाँ पे पूरा हाथ का वैक्स कर चुकी हूँ, हर जगह का हो चुका है। तो जब वैक्स किया हो जाएगा उसके बाद इसको गीला टॉवल से अच्छे से पोंछ देना है, जिससे सारा जो जितना भी वैक्स है एक्स्ट्रा जगह लगा हुआ वो सब धुल जाए, साफ हो जाए। और हाथ क्योंकि हल्का चिपचिपा सा होता है तो ये हाथ पे सही नहीं लगेगा, इसलिए। तो अभी हम पूरा दोनों हाथ का अच्छे से वैक्स हम कर चुके हैं, आप देख सकते हैं दोनों हाथ में हम किए हैं। हाथ में करते वक्त पूरा ये नेल्स यहाँ तक का, उंगली फिंगर तक का सारे हम लोग को अच्छे से निकालना होता है। अब इसमें हम लोग जेल मसाज करेंगे। देखिए हम जेल लिए हैं, थोड़ा सा लेने से ही हो जाएगा। इसको अच्छे से हम पूरे हाथ पे फैलाएंगे, मसाज करेंगे, हल्के हाथों से मसाज करेंगे। तो ये हमारा वैक्सीन का मेरा टेस्ट था जो कि हम कर चुके हैं। हम तो अपने तरफ से पूरा बेस्ट किए हैं। मैम आप बताइए, आपको ये सही अच्छा लगा, पसंद आया मेरा वैक्सीन? मैं सब तुम्हें खूब सुंदर करेछ एवं আচ্ছা ও ওকে তোমরা দিলে এবার আবার নেক্সট একটা কিছুতে ওর সাথে তোমাদের যোগাযোগ হবে। আর তোমরা আমার ভিডিওটা দেখতে থাকো এবং সাবস্ক্রাইব, এরা যে কাজ করছে সেগুলো তোমরা দেখো যে ওরা সম্পূর্ণ কতটা শিখেছে। ভিডিও দেখনে কে লিয়ে থ্যাংক ইউ, নমস্তে।